आज सुबह सुबह गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आखिर इतनी सुबह सुबह ये लोग क्या बातें कर सकते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। और तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली आज तो सारा काम पूरा हो गया है, अब तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचा है। तुम ही बताओ अब हम लोग क्या करें। वैसे भी मैं तो फोन चला रहा था लेकिन मेरे फोन का इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है। लगता है कि कंपनियों वालों का कुछ लफड़ा चल रहा है, तो फिर तुम मुझे कुछ आइडिया दो कि मैं अब क्या करूं। बुल्ली की बातें सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली इंटरनेट तो मेरा भी नहीं चल रहा है। मैं यूट्यूब पर काम की वीडियो देखने जा रहा था लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, कंपनियों वालों का ही कुछ लफड़ा लगता है। वैसे मेरे पास कोई आइडिया है नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें सोहन को बुलाना चाहिए। और वैसे भी आज संडे भी है, तो वो आज पूरा दिन अपने घर पर ही होगा और हम लोगों के पास भी कुछ काम धंधा है नहीं, तो मुझे लगता है कि हमने उसे ही बुला लेना चाहिए। बैठकर गेम खेलेंगे हम लोग। इसके बाद गुल्ली चेयर से उतरता है और अपना फोन निकाल कर सोहन को फोन मिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद सोहन फोन उठा लेता है। हेलो गुल्ली, आज तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल क्यों किया है? आज कैसे तुम्हें मेरी याद आ गई? कोई लफड़ा हो गया क्या? अरे सोहन, कुछ नहीं हुआ। आज संडे है ना, तो हमें लगा कि आज हम तुम्हें अपने घर पर बुला ले। वैसे भी हमारे पास कुछ काम भी नहीं है और हम अपने घर में अकेले बैठे बैठे बोर भी हो रहे हैं, तो हमें लगा कि हम तुम्हें यहाँ पर बुला लें। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, बैठ कर एक साथ गेम खेलेंगे। और वैसे भी आज इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा, तो हम लोग ऑफलाइन गेम खेलेंगे। जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद गुल्ली फोन रख देता है। क्या हुआ गुल्ली, सोहन ने क्या बोला? क्या वो यहाँ पर आएगा या फिर नहीं, और कितने टाइम में वो आ जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे उसके साथ गेम खेलना हो, मौज करनी है। ये सुनते ही गुल्ली बोला, बुल्ली सोहन हमारे यहाँ आने के लिए मान गया है लेकिन वो सिर्फ ऑफलाइन गेम ही खेलेगा। चलो जल्दी से गेट के पास चलकर खड़े हो जाते हैं, वरना वो आएगा तो हमें नहीं देखकर चला जाएगा, तो इसीलिए जल्दी से चलो। और वैसे भी उसके आने के बाद हमें उसे सरप्राइज भी तो देना है, और वो सरप्राइज क्या है ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, तो जल्दी से चलकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और सोहन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद सोहन भी अपनी स्कूटर से वहाँ पर आने लगता है और थोड़ी देर वो स्कूटर चलाने के बाद उनके घर के पास आने लगभग 20 सेकेंड में वो घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद सोहन स्कूटर खड़ा कर देता है और गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है और तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और गुल्ली बुल्ली भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तभी सोहन बोलता है, गुल्ली बुल्ली लो मैं यहाँ पर आ गया, और अब तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे अब शर्म आ रही है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को करने जल्दी से घर के अंदर चलो, मुझे गेम खेलने की चुल मची है। अगर मैं गेम नहीं खेला तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं यहीं पॉटी छोड़ दूंगा। जल्दी से घर के अंदर चलो वरना मैं तुम्हें यहीं पर दबा के मारूंगा। हम लोग चल रहे हैं, तुम इतने गुस्साओ मत, जल्दी से अब हम लोग चल रहे हैं। बुल्ली जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। इसके बाद सारे लोग एक एक करके घर के अंदर जाने लगते हैं। बुल्ली गेट खोलता है और फिर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं और फिर सोहन गेट को बंद कर देता है। इसके बाद इन लोगों की मौज मस्ती चालू हो जाती है और दिन भर मौज मस्ती करते हुए इन लोगों का सारा दिन बीत जाता है। इन लोगों को गेम्स खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है और अभी रात के 8 बज चुके हैं और अब सोहन को अपने घर पर भी जाना है क्योंकि वो घर पर 7 बजे आने को बता कर आया था और अभी 8 बज चुके हैं, वो पहले ही 1 घंटा लेट हो चुका है। इसके बाद ये सारे लोग घर के बाहर आने लगते हैं। बाहर आते हुए सोहन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है और बाकी पीछे गुल्ली और बुल्ली भी कम खुश नहीं नज़र आ रहे। इसके बाद सोहन इन लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर के बता कर आया था कि मैं 7 बजे तक घर पर आ जाऊंगा लेकिन अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। चलो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ, मैं अपने घर पर फोन करके बता दूंगा कि मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा घर पर, आज मैं यहाँ पर रुक कर मस्ती करूंगा। अब चलो हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं, पहले तुम लोग फैसला कर लो कि हमें कहाँ जगह जाना है, उसके बाद भी हम लोग मौज मस्ती करते हुए वहाँ पर चलेंगे। चलो जल्दी से फैसला करो तुम लोग। हाँ सोहन, तुम ठीक कह रहे हो, हम लोग भी गेम खेलते खेलते बोर हो चुके हैं, अब हमें भी कहीं पर घूमने चलना चाहिए। लेकिन हम आधी रात को कहाँ पर घूमने जाएंगे? आधी रात को कहीं जाने का मेरा कोई आइडिया नहीं है। ये सब आइडिया गुल्ली के पास होते हैं क्योंकि वो बहुत रात को घूमने जाता है, तो मेरी राय यही है कि तुम उसी से पूछ लो। क्यों गुल्ली, बताओ हम लोगों की हमें कहाँ पर जाना चाहिए। हाँ हाँ सोहन, बुल्ली ठीक कह रहा है, मुझे पता है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले चलो कल्लू हलवाई के घर चलते हैं।
वहाँ पे हम लोग गरम गरम समोसे पहले खाएंगे, उसके बाद कहीं पर घूमने जाएंगे। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आने लगता है। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। गुल्ली गुल्ली और शॉन भी उस आदमी को देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं, और फिर वो आदमी उन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। तभी शॉन बोलता है, चोर चोर मार सारी चोर चोर, गुल्ली गुल्ली देखो चोर आ गया, पकड़ो इसको मारो वरना चोरी करके ले जाएगा सब चीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, चोर चोर। अरे सोन तुम डरो मत, ये कोई चोर नहीं है बल्कि ये तो हमारे बहुत ही पुराने मामा हैं और इनका नाम है कल्लू मामा, इनसे मुलाकात हुए हमारे बहुत दिन हो गए। हाँ सोन, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है और ये कोई चोर नहीं है, ये दिखने में चोर जैसे जरूर है लेकिन ये चोर से बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने हमें किंग ऑफ गोस्ट से बचाया था एक बार और इन्होंने हमारे साथ मिलकर किंग ऑफ गोस्ट की पुंगी बजा के रख दी थी और उसका काम तमाम कर दिया था। वैसे क्या हुआ कल्लू मामा, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपको हमारी याद इतने दिनों बाद कैसे आ गई और आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। पुंगी गुल्ली, कुछ ऐसा ही समझ लो, दरअसल मैं अपने गांव में जा रहा था और मेरे गांव का नाम है कलुआपुर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे दिखा कि वहां पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो राक्षस अपने चमचों को भी मेरे गांव में लेकर आया है और वो लोग मेरे गांव पर हमला करके मेरे गांव के लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं और मुझे बड़ा डर लगा और फिर मैं यहाँ पर भागा चला आया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर रह लूंगा तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ दी, ताकि मैं यहीं पर रह के उन राक्षसों का जाने का इंतजार कर सकूँ। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे मैं दोबारा से यहाँ से चला जाऊँगा, तो क्या तुम लोग मुझे अपने घर में रख सकते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है, तो कृपया मना मत कर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है मामा। वो सब तो ठीक है लेकिन अगर आपके गांव कलुआपुर से वो सारे राक्षस कुछ दिनों में नहीं गए तो क्या आप पूरी जिंदगी हमारे यहाँ रह सकेंगे? हमारे यहाँ इतने ज्यादा पैसा नहीं है और हमारे यहाँ इतनी सुविधा भी नहीं है कि आप हमारी पूरी जिंदगी में यहीं पर रहें, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना आपका क्या होगा? कहाँ जाएंगे? हाँ मामा, गुल्ली ठीक कह रहा है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि हम आपके मदद करने आपके गाँव पे चले, हम उनसे लड़ के उन्हें यहाँ से भगा देंगे और फिर वो आपके गाँव में दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपकी और हमारी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बुल्ली हम लोग ये सब करेंगे कैसे? वो सारे राक्षस तो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, हम अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे, अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, अकेले गए तो हम भी मारे जाएंगे। गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, अकेले जाने में खतरा बहुत ज्यादा है, चलो हम लोग बाबा के घर चलते हैं, क्या पता बाबा हमारे साथ जाने को तैयार हो जाए, और एक बार बाबा हमारे साथ जाएंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, जल्दी से चलते हैं। सोन की बातें इन लोगों को ठीक लगती हैं, इसलिए ये लोग पापा के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर ये सारे लोग वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा रात हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यही सोचते हुए ये लोग बहुत तेजी से पापा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद ये लोग बाबा के घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग उस रास्ते से जाने लगते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज्यादा होता है, इसीलिए बुल्ली कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता, अगर जरा भी लापरवाही हो गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वो स्लो कर देता है जीप की स्पीड को। इसके बाद बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी लाकर रोक देता है और फिर ये लोग बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं और बाबा भी इन लोगों को देखते ही खड़े हो जाते हैं और फिर इन लोगों से बाबा पूछते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, आज तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? पीछे कोई लफड़ा कल किया क्या? और ये चोर जैसा आदमी कौन है? अपने साथ ऐसे चोरों को मेरे घर पर मत लाया करो वरना मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, सीधे से निकल लो यहाँ से, या फिर सीधे सीधे बताओ क्या बात है। बाबा की बातें सुनने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी बातें बताने लगते हैं कि बाबा ये कोई चोर नहीं है, ये हमारे कल्लू मामा है और ये दिखने में बस चोर जैसे दिखते हैं लेकिन ये चोर नहीं है। और फिर ये लोग आगे की बातें बताने लगते हैं कि इनके गांव में एक नर्क से आए राक्षस ने कब्जा कर लिया है और वो अपने साथियों के साथ इनके गाँव पर हमला कर रहा है और इनके गाँव के सारे लोगों को अपना गुलाम बना चुका है और ये किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए हैं, इन्हें आपकी मदद चाहिए।
इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कृपया आप इनकी मदद कर दीजिए और हमारे सारे इनके गांव कलवापुर चलने को तैयार हो जाइए। अच्छा तो ये बात है, तभी तो इसकी शक्ल तुम लोगों से इतनी मैच करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो लोग संख्या में तो बहुत ज्यादा होंगे। उन लोगों से लड़ने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज लेने मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग गाड़ी तैयार करो, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। बाद ये सभी लोग जीप में बैठ जाते हैं और पापा स्टाइल मारते हुए जीप के बोनट पर खड़े हो जाते हैं और फिर बुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा होता है लेकिन फिर भी बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि कल्लू मामा का गांव कलवापुर यहाँ से बहुत ही दूर है, जहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है जिससे ये लोग जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच जाए और बाकी लोगों को भी ये बात ठीक लगती है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता और कल्लू मामा आसपास देखते हुए जा रहे होते हैं। कल्लू मामा के गाँव पहुँच जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद बुल्ली को मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ती है और फिर इन लोगों को सामने कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा भी क्या देख लिया? अरे ये क्या, ये तो पंपकिन मैन है, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसे ही बहुत सारे दानव इस पूरे गांव में फैले हुए होते हैं। ये लोग देखने में काफी ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे होते हैं और ये सभी इधर उधर देख रहे होते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी बाबा पंपकिन मैन की ओर देखते हुए बुल्ली से बोलते हैं, मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। और ये सुनकर बुल्ली भी गुस्से में आ जाता है और फिर बाबा बुल्ली की तरफ देखते हुए बोले कि बुल्ली अब तुम गाड़ी को पीछे ले, क्योंकि ये मोटा राक्षस ऐसे नहीं मानेगा। एक तो ये इतना मोटा है, अगर हम लोग इसे ठोकेंगे तो हम ही लोग की गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से गाड़ी को पीछे लो, मैं इसे फिर बताता हूँ। बुल्ली इतना सुनते ही तुरंत गाड़ी को पीछे की तरफ रिवर्स गियर में ले जाने लगता है और लगभग 10 मीटर पीछे गाड़ी को ले जाकर रोक देता है। और इसके बाद वो मोटा राक्षस इन लोगों को देखकर चिल्लाने लग जाता है और ये देखकर बाबा भी फुल मोड में आ जाते हैं और काफ़ी गुस्से से बाबा भी जीप पर से एक ऊँची छलांग लगा देते हैं। शायद अब इस मोटे राक्षस का टाइम आ चुका है। बाबा के छड़ी से हवा में ही एक तलवार अपने आप बाहर आ जाती है और फिर बाबा उस तलवार से डीमन पर हमला करने वाले होते हैं और डीमन भी बाबा पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बाबा उस पर पहले ही तलवार से हमला करके उसका खेल वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और ये देखकर दूसरे पंपकिन मैन को बाबा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा की तरफ आने लगता है, और इससे पहले कि वो बाबा पर हमला कर पाता बाबा उसे अपने हथौड़े से ही एक जोरदार बिजली का झटका देते हैं जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वहीं पर फट जाता है। और ये सब कुछ वो दोनों चुड़ैलें भी देख रही होती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल बाबा पर हमला करने के लिए आगे आती है और इससे पहले कि वो भी बाबा पर हमला कर पाती बाबा उसे भी हैमर से एक जोरदार हमला करकर ढेर कर देते हैं और उसका काम तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद बाबा उसे गौर से देखने लगते हैं कि वो सही में मरी है या फिर वो नाटक कर रही है। काफ़ी जब उन्हें तय हो जाता है तो वो इनकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे एक साथ बाबा पर हमला करने के लिए आगे आते हैं और ये 7-8 लोग मिलकर लगभग बाबा को पकड़ने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और बाबा के पास आते ही ये सारे के सारे बाबा को पकड़ लेते हैं जिससे बाबा कोई भी हमला ना कर पाए, और ऐसा होता भी है, बाबा अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह इनसे छूट जाएं, लेकिन ये लोग उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे किसी तरफ देखने लगते हैं और ये इसकी तरफ देख रहे होते हैं। ये राक्षस बाबा को देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, इसके हाथ में एक काफी खतरनाक हथियार भी है। थोड़ी देर हंसने के बाद ये बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और एक जोरदार छलांग मारकर अपने कुल्हाड़ी को बाबा की तरफ किए हुए नीचे आने लगता है और फिर वो बाबा के सर में अपनी कुल्हाड़ी को घुसा देता है और बाबा का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। इसके बाद वो राक्षस खड़ा हो जाता है और फिर ये सारे के सारे राक्षस बाबा को छोड़ देते हैं और बाबा वहीं जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। और फिर ये सारे राक्षस बाबा को ऐसी हालत में देखकर हंस रहे होते हैं और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और ये सारा मंजर बुल्ली बुल्ली सॉन और कल्लू मामा भी देख रहे होते हैं।
और तभी ये सारे के सारे राक्षस अचानक से पीछे मुड़ते हैं और गुल्ली बुल्ली शॉन और टल्ली मामा की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर बुल्ली और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और तभी ये सारे के सारे राक्षस गुल्ली बुल्ली शॉन और टल्लू मामा की जीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये लोग तेज़ी से जीप की तरफ आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि बुल्ली अब बचेगा नहीं और बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी बुल्ली गाड़ी को पीछे लेने लगता है, शायद अब ये कुछ बड़ा करने वाला है। बुल्ली गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाकर दोबारा से स्टार्ट करता है और आगे की तरफ ले जाते हुए इन लोगों को ठोक डालता है। गाड़ी से ठुकने के बाद ये सारे के सारे राक्षस का काम तमाम हो जाता है। अब ये लोग जल्दी उठने नहीं वाले, लेकिन बुल्ली से एक गलती हो गई होती है। बुल्ली से एक बड़ा वाला राक्षस छूट गया होता है और वो इन लोगों की गाड़ी के पास आता है और फिर वो इन लोगों की गाड़ी पे एक ज़ोरदार हमला करता है, वो भी एकदम गुस्से से, जिसकी वजह से इन लोगों की जीप काफ़ी दूर जाकर पलट जाती है और ये सारे के सारे यहीं पर ढेर हो जाते हैं। डीमंस गुल्ली बुल्ली की जीप पर हमला कर देता है जिससे जीप दूर जाकर पलट जाती है और गुल्ली बुल्ली सोन और कल्लू मामा ये चारों लोग बेहोश हो जाते हैं। इन लोगों की हालत देखकर लगता है कि इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद वो दानव जीप के आगे जाने लगता है और अपने दूसरे साथी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसका दूसरा साथी बोलता है, वाह मेरे भाई क्या मस्त काम किया है, तुम्हें हमारे बॉस देखकर काफी खुश होंगे और तुम्हें प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारे इतने साथी मारे गए हैं और इसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर वो डीमन बोलता है, जरूर, लेकिन पहले हमारे बॉस को तो आने दो। इसके बाद वहाँ पर हवा में धुआं होने लगता है जो कि असल में किसी का पोर्टल है और तबाही देखते ही देखते वहाँ पर इन लोगों का बॉस वहाँ पर प्रकट हो जाता है जो कि देखने में काफी भयानक है। इसके बाद वो इन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया और ये लोग अभी तक इंसान क्यों हैं? रुको मैं अभी पोर्टल खोलता हूँ और तुम लोग इन लोगों को लेकर अपनी दुनिया में लेकर जाओ और इन्हें भी अपने जैसा बना दो। इसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और फिर दोनों दानव बाबा को उठाने के लिए चले जाते हैं। बाबा के पास जाने के बाद वो लोग बाबा को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी दोनों डीमंस एक एक कर मारे जाते हैं और फिर बाबा अपने फुल सुपर स्ट्रीम मोड में आ चुके हैं और अब यहाँ से वापस कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं जा पाएगा। बाबा को देखकर वो बॉस जिसका नाम डियोबलो है वो बाबा से बोलता है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस लौट जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन बाबा को इसकी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बाबा इसे गुस्से से घूरे ही जा रहे हैं। ये देखकर डियोबलो भी डर जाता है और वापस से पोर्टल में चला जाता है। ये देखकर बाबा भी उसके पीछे पीछे पोर्टल में चले जाते हैं। अब बाबा डियोबलो की दुनिया में आ चुके हैं और तभी पोर्टल भी बंद हो जाता है और अब बाबा और डियोबलो भी एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं। इसके बाद डियोबलो बाबा को डराने की कोशिश करता है और काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन बाबा इससे नहीं डरते हैं। ये देखकर डियोबलो बाबा पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। बाबा इसके हमले से बचने के लिए अपने दोनों हाथों से शील्ड बनाते हैं और डियोबलो के हमले को आसानी से रोक रहे होते हैं। ये देखकर डियोबलो को काफी जोर का गुस्सा आता है और फिर वो अपनी सारी शक्तियों से बाबा पर हमला कर देता है। बाबा इसके हमले को रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन बाबा की शक्तियाँ थोड़ी कमजोर पड़ रही होती है, इसलिए बाबा धीरे धीरे पीछे खिसक रहे होते हैं। लेकिन पीछे लावा है और अगर बाबा थोड़ा और खिसले तो बाबा मारे जा सकते हैं। बाबा अब डियोबलो की शक्तियों को और देर तक नहीं रोक सकते, इसलिए बाबा उसके हमले से बचने के लिए दूसरी तरफ कूद जाते हैं और इससे पहले कि डियोबलो कुछ कर पाता बाबा अपनी छड़ी को हवा में घुमाते हैं और फिर
बाबा के इस हमले से टीवी वहीं पर जलने लगता है और वो थोड़ी ही देर में मारा जाता है और उसका शरीर गायब हो जाता है। और इधर डियोबलो के मरने से सारे डीमंस एक एक कर गायब हो जाते हैं। अब इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, इसलिए ये गांव पूरा कल्लू मामा का हुआ। इसके बाद गुल्ली बुल्ली सोन और कल्लू मामा को होश आ जाता है और फिर वहां बाबा भी आ जाते हैं। इसके बाद बाबा जीप को सीधा कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग यहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।